हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, आप इन टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किस इलाज के लिए लिख कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेडनिसोलोन 5 mg टैबलेट की, और इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कंटेंट भी आपको एक ही है, प्रेडनिसोलोन, और ये आपको 5 mg में इसमें मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इन टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर्स आपके लिए गंभीर तरह की एलर्जी, किसी भी स्किन एलर्जी हो, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, छींके बहुत ज्यादा आ रही हो, किसी भी तरह की वायरल एलर्जी, अगर आपको दमा हो तो दमा में भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, रूमेटॉइड डिसऑर्डर के लिए, त्वचा से जुड़ी समस्याओं के लिए, आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए, और साथ ही इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है, ब्लड की कहीं पर क्लॉट्स हो गए हैं, गांठें हो गई है, तो इन सभी इलाज, सभी प्रॉब्लम्स के लिए, इस इलाज के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल टैबलेट है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि बिना पूछे आप इसको घर में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अवधि के हिसाब से चलने वाली दवाई है। अगर आपको डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं तो कुछ टाइमिंग के लिए लिख कर दे रहे होंगे, इससे ज्यादा इसको नहीं लेना है। जितने टाइम के लिए ले रहे हैं उतने ही टाइम के लिए आपको इसको लेना है। आप इसको डायरेक्टली पानी के साथ ले सकते हैं। इसमें एक अप टू टीटी भी अवेलेबल हो जाती है, मतलब डिस्पेरेबल टैबलेट, तो वो आप अगर थोड़ा सा पानी में घोल कर पियेंगे तो वो थोड़ी सी मीठी होती है, तो डीटी भी इसमें अवेलेबल है, और ये नॉर्मल दवाई है, जैसे आप नॉर्मली लेते हैं ऐसे ही आपको लेना है। ये एक स्टेरॉइड है जो आपके उन मैसेंजर को ब्लॉक करती है, उन्हें बनने से रोकती है, जो आपके बॉडी में सूजन, रैशेस, रेडनेस, चकते, या फिर इस तरह की एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, तो ये सभी ब्लॉक करने के काम करते हैं। ये मैसेज को ब्लॉक करती है, उसके मैसेंजर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की समस्याएं दिखाई नहीं देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे लेने से कहीं आपके गले में रैश हो जाए, या फिर निगलने में तकलीफ हो जाए, या फिर सूजन हो, बुखार हो, तो डॉक्टर को जरूर बताइएगा। वैसे इसमें जो साइड इफेक्ट है वो कुछ कॉमन है, जैसे पेट खराब होना, तो आप इसको खाने के साथ या बिना खाए दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन खाने के साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी टैबलेट के लिए, क्योंकि हमको पेट के जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, अपच है, कब्ज है, इस तरह के प्रॉब्लम जो है, ये टैबलेट्स को बिना कुछ खाए ऐसे खाली पेट ले लेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको खाने के साथ लेना जरूरी है, बिना भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन देखिए फिर पेट खराब होना, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो इसमें कॉमन सा साइड इफेक्ट है पेट खराब होना, तो ये आपको नहीं दिखेगा अगर आप इसको खाने के साथ लेंगे। दूसरा इसमें आता है मूड में या फिर स्वभाव में आपके बदलाव हो सकता है, वजन आपका बढ़ सकता है, इससे ज्यादा इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी भी साइड इफेक्ट से आपको तकलीफ हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। इसे लेने से आपको चक्कर और नींद दोनों आ सकती है, तो कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फिर इसको ड्राइविंग के दौरान लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इसको रेस्टिंग टाइम में लेना आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। साथ ही में इसको बंद करते वक्त भी आपको डॉक्टर को एक बार सजेशन जरूर लेना है। इसको अचानक से बंद करने से आपको फिर से उस तरह के एलर्जी के लक्षण या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ सकते हैं, तो जब आप इसको ले रहे हैं डॉक्टर को पूछकर, तो डॉक्टर को पूछकर ही इसको फिर बंद करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम SGS कंपनी के बारे में बात करेंगे। 10 टैबलेट की जो स्ट्रिप है वो 160 rupees की आ रही है, तो अगर आप किसी अदर कंपनी की ले रहे हैं, जैसे मैंने भी बहुत सी कंपनियों के बारे में आपको डाला है, तो आप वहां से जो है उसकी प्राइसिंग में देख सकते हैं, उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग प्राइजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट करते रहना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।